भैया देखिए, पेमेंट को लेकर के ऑडिट कैसे क्या डालनी है, सारी प्रोसेस कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। कुछ देर में आपको पेमेंट्स की डिटेल्स कि कितना पेमेंट्स करना है, कहाँ करना है और आगे की क्या प्रोसेस होगी, वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बस आप पूरी तरीके से तैयार रहिए, आज हर हालत में सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली जाएंगी, कल और परसों 2 दिनों के अंदर रिट फाइल हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें परेशान होने कोई चीज़ें नहीं है। अगर किसी के मन में कोई और भी दुविधाएं हैं तो वो क्लियर कर सकता है। दूसरी चीज़ें, बहुत सारे लोग का ये मानना है कि ऑर्डर जनरल आएगा, सबको एलिजिबल होंगे जन। तो देखिए, दो दो छोटे छोटे से पॉइंट है, समझ लीजिए। ऑर्डर अगर जनरल आना होता तो बाहर क्यों करता, पहले से वो चीज़ें कर लेता। सेकेंड चीज़, पिटिशनर प्रॉफिट दे सकता है, इसके चांसेस इसलिए हैं क्योंकि उसने फॉर्म की नोटिफिकेशन देने के बाद में 1 महीने से ऊपर का समय दिया है, तो वो ये खुद चाह रहा है कि 20 से 25 लाख लड़के होने से अच्छा है कि 10 से 5 हज़ार लड़के जो पिटिशनर के थ्रू आ जाएंगे उनको हम एंट्री दे करके और उनको भी इसमें कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। इसलिए उसने 1 महीने 5 दिन लगभग 35 से 40 दिन का आपको समय दिया हुआ है, और अगर फॉर्म भरने का समय भी मान लेते हैं तो 2 महीने का उसने समय दिया हुआ है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका भी लॉजिक ये है कि 6 से 7 लाख लड़कों का एग्ज़ाम लेना ज़्यादा अच्छा है वरन 20 से 25 लाख लड़कों के। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझिए कि क्या चीज़ें कहती है, कुछ चीज़ें लॉजिकल होती है, थोड़ा सा विचार करिए, चिंतन करिए, आपको भी यह तर्क समझ में आएगा। 3 साल की वैकेंसी है, 2017, 2018, 2019, तो उन 3 साल के लड़कों को एलिजिबल करना ही पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जो हलफनामा दिया है वो कोई नॉर्मल जिला न्यायालय में तो दिया नहीं, सुप्रीम कोर्ट में दिया है, ठीक है। तो उन चीज़ों के अकॉर्डिंग इनको ये तो करना ही पड़ेगा। बस ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, या खासकर वो लोग जिन्होंने 2 से 3 साल तक दरोगा बनने के सपने देखे, जिन्होंने तैयारी करी है, तो एक पर्याप्त संख्या में हम न्यायालय तक पहुँचें, अधिवक्ताओं के थ्रू अपनी बातों को, अपने मुद्दे को जस्टिस तक पहुँचाएँ, बाकी जज तक पहुँचाएँ, बाकी वहाँ पे क्या होना है, क्या कैसी होनी है, वो उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन भरोसा रखिए, हमारे पास इतने बहुत सारे तथ्य हैं, ऐसे बहुत सारे आधार हैं जिस आधार पर हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे सरलतापूर्वक, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आगे जो भी है, जो चीज़ें हो रही हैं, जो कर रहे हैं, वो ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्होंने करके दिखाया है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं, ज़्यादा सोचने की बातें नहीं है। तो क्या चीज़ें कैसे करनी है, सारी डिटेल्स आपको इस ग्रुप में डाल दी जाएंगी। ज़्यादा परेशान मत होइए, अपनी चीज़ें अपने न्याय के लिए, 2 से 3 साल का जो समय है, जो ओवर एज हो चुके हैं, अगर अभी ज़्यादा चिंतन करेंगे तो हो सकता है कि चिंतन पूरे जीवन करना पड़ जाए। तो पूरे जीवन चिंतन ना करना पड़े, थोड़ा सा करके एज रिलैक्सेशन का अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो आप सब हम लोग की एंट्री हो जाएगी। वैकेंसी पूरे बंच में है, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दरोगा की क्या वैल्यू होती है आप में से सब जानते हैं, इसमें कोई बताने की चीज़ें नहीं है, क्योंकि जानते हैं तभी जाके तैयारी करी है, तभी इतना समय डाला है इस पर। धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों, आपको नीचे एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें आप ज्वाइन होकर आगे की चीज़ें कैसे क्या रहती हैं सारी जानकारी आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। ये पंकज भाई का ऑडियो था, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन, पेमेंट की रेट कब होगी, कैसे होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वही लोग ज्वाइन करें जो जेन्युइन हो। धन्यवाद दोस्तों।